थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने अपने विधायक निधि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक एम्बुलेंस की सौगात दी है। अस्पताल परिसर में विधायक ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक मुन्नी देवी शाह ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी ने एक एम्बुलेंस और कुछ मशीनों की मांग की थी। दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी ने कहा कि एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को समय पर अस्पताल लाया जा सकेगा। एम्बुलेंस की हमारे यहाँ पे से काफ़ी समय से डिमांड की जा रही थी। उससे पहले जो स्वर्गीय श्री मदनलाल साहा जी थे, पूर्व माननीय पूर्व विधायक जी, उन्होंने भी घोषणा की थी। अब उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद श्रीमती मुन्नी देवी साहा माननीय विधायक जी जब से विधायक बनी हैं, तो हम तब से डिमांड कर रहे थे। तो उनके द्वारा अपनी विधायक निधि से एक एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली को दी गई है और आज उसका जो भी है विधिवत तरीके से उसका उद्घाटन किया गया है और वो जनसेवा के लिए समर्पित करेंगे।